बात करेंगे सेल्फ लव अफर्मेशंस की कि कैसे खुद को प्यार करें। तो याद रखिए, जब आप खुद को स्वीकार करने लगते हैं बिना किसी कंडीशन के, चाहे कुछ भी हो, आप खुद का ध्यान रखते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए और देखिए, सारी दुनिया भी आपको प्यार करना शुरू कर देगी। एक बार एक मेंढक सोचता है कि वो पेड़ की ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन जो सारे उसके दोस्त रहते हैं वो चिल्लाते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। फिर भी वो मेंढक ऊंचाई पे पहुंचता है। कैसे? क्योंकि वो बहरा था और वो ये सोच रहा था कि सब लोग उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो चाहते हैं यदि जिंदगी में अपने लक्ष्य पे पहुंचना, तो लोगों के नकारात्मक विचारों के प्रति बहरे हो जाइए। याद रखें कि दूसरों को भुला देना या उनके बिना रहना ज़्यादा ज़रूरी है इसके बगैर कि आप खुद को भुला दें। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है खुद को प्यार करना। याद रखें कि खुद को प्यार करना कोई घमंड नहीं है, ये तो ये निशानी है कि आप अब वास्तविक रूप में स्वस्थ होते जा रहे हैं। खुद को प्यार करना क्या है? खुद को प्यार करना, खुद को विश्वास दिलाना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ और ईश्वर ने मुझे विशेष शक्तियाँ दी। और जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो वो ही खुद का प्यार है। याद रखें कि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो यही हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ा रहस्य होता है, हमारी ज़िंदगी की सफलता का, एंड दैट इज़ योर सेल्फ लव। याद रखें दोस्तों कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो एक शीशा उठाएं और सबसे पहले खुद को देखें, क्योंकि ये आप हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। याद रखें कि आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि आप खुद को प्यार करें और अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानें, ना कि दूसरों के बारे में। और हमेशा ये बात याद रखें कि जो आपने बारे में आप जानते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ना कि इस बारे में कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपका खुद के प्रति प्यार, आपका नज़रिया सबसे बड़ी चीज़ है। और हमेशा याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि यदि आपके अंदर प्यार करने की क्षमता है तो सबसे पहले आप खुद को प्यार करना सीखिए।